पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराए। जी हां, उन्होंने झंडोत्तोलन किया, उसके बाद राज्यवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कई बड़े वादे किए और कई बड़े ऐलान किए। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा ऐलान किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बिहार में, उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान ये किया कि अब जो भी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की बहाली होती थी प्रमोशन के आधार पर, वो प्रमोशन के आधार पर नहीं होगी, अब उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा पास करना होगा। जी हाँ, अब जो भी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है, ज़रूरी है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ी घोषणा की है अपने संबोधन के दौरान। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से स्कूलों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। इससे पहले प्रमोशन के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब उन्हें प्राचार्य बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पास करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब छात्रों को उच्चतर शिक्षा में मदद के लिए राज्य में 40 छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में रहकर छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराने के बाद राज्यवासियों को संबोधित करते हुए यह सारी बातें कही। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं भी दी बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के जश्न का मुबारकबाद देते हुए सीएम ने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास की गति तेज हुई है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, सभी के उत्थान पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कोरोना और बाढ़ के हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की बात बताई जा रही है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी जरूरत है। जी हाँ, राज्यवासियों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। टीकाकरण को लेकर के सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 134 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और अभी तक 3 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। राज्य के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों ने एक इतिहास रचा है। आप सबको मालूम है कि अब तक अगर हम 14 अगस्त का कल का दिन देखें, कल शाम तक जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से कोरोना की जांच 3,94,00,000 से भी अधिक हुई है। सब लोगों को कोरोना के जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, शहर में, गांव में, हर जगह। तो इसके लिए जो अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुआ है और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 हैं और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 केस नए केस मिले, तो इस सबको मिला करके ही 250 लोग अभी प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे।
यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है, इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावा आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाब्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची हो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये काम। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान यह सारी बातें कहते नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा ऐलान ये किया कि अब प्रधानाचार्य बनना है तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा पास करना होगा। जी हाँ, अब प्रमोशन के आधार पर आप प्रधानाचार्य नहीं बन सकते, यानी प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं बन सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।